ओके देन, हेलो ट्रेडर्स प्लस इन्वेस्टर्स, जितने भी लोग हमको देख के आ रहे हैं सबका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो में पता चल जाएगा क्यों है। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट की हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा ओवर ट्रेड हुआ नहीं आज, सिर्फ चार ही ट्रेड हुए हैं। जितने भी लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, सब लोग आज ग्रीन में हैं, लेकिन हम लोग रेड में हैं। उसके पीछे की रीज़न, हमारा जो सेटअप है, सेटअप के बारे में बात करेंगे। ठीक, और जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, दिन भर आज था नहीं, तो पीसी में हम लोगों को ट्रेड लेने का मौका मिला नहीं। तो जो वाइडर रेंज ऑफ डाटा होता है, प्रीवियस डे का डाटा, वो हम लोगों को छोटा सा मोबाइल डिवाइस में दिखता भी नहीं। तो 5 मिनट का कैंडल जब हम लोग छोटे मोबाइल में देख के ट्रेड लेते हैं, तो क्या होता है वो हम लोगों को पता चलेगी इस वीडियो में। पहला एंट्री हम लोगों की कहाँ हुई, 9:20 में हम लोगों ने एंट्री ली। इसके पीछे के लॉजिक क्या थे, प्रीवियसली हम लोग ट्रेड करके आ रहे हैं, जब भी ऑल टाइम हाई में रहता है ये जो मूव है, इस मूव के लिए हम लोगों ने बहुत बार बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया है। मुझे याद है अभी भी कि आज से करीब 14 डेज, 10-12 दिन पहले, जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तभी इसका जो सपोर्ट था 43,450 एक्सपायरी था उस दिन। ठीक है, उस दिन हम लोगों ने सपोर्ट में शॉर्ट करके बैठे थे कि एक वो जो मूव रैली आएगा, जो आज रैली आया है, वो रैली हम लोग उस दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे। 10-12 दिन पहले एक एक्सपायरी आया था, उस एक्सपायरी में हम लोगों ने ये जो सपोर्ट था 43,450 उसमें शॉर्ट किया था। लेकिन उसके बाद फिर से इसने ऊपर चला गया, 550 में क्लोजिंग दे दिया एक्सपायरी को। तो ये जो मूव था, इस मूव को कैच करने के लिए हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि January 25 मुझे अभी भी याद है 1,000 पॉइंट का रैली हुआ था। उसको हम लोगों ने 1,000 पॉइंट तो नहीं पकड़ा, लेकिन 300-400 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने कैच किया था। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन का मूव मिला था, तो उसी मूव को पकड़ने के लिए हम लोग इतने दिन से ट्रेड कर रहे थे, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रहे थे। तो आज हम लोग सीधा अभी पॉइंट में आते हैं, मैंने आप लोगों को अपनी प्रीव्यूज डाटा बता दिए। तो सिंपल सा बात है, 9:20 में हम लोगों की एंट्री हुई, एग्जिट हम लोगों की क्या हुई पता है, एंट्री के बाद हम लोगों को 50-60 पॉइंट मिल गया, लेकिन वहाँ में एक्सपेक्टेशन मुझे था 150-200 पॉइंट एक रैली आना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकडाउन है प्योर ये रेंज का। तो उसके बाद इसने जो 3 5 मिनट का कैंडल बनाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 4th 5 मिनट का कैंडल मुझे पता चल गया, बायर्स यहाँ में इसको ऊपर लेके जाने वाला है, कितना ऊपर लेके जाने वाला है मुझे नहीं पता। तो वहाँ में मैंने वेट किया, अगर और कैंडल बनता है 2 कैंडल तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो 2 कैंडल बने, हम लोगों ने 9:34 टाइमिंग दिखा दूंगा मैं ऑर्डर बुक, एग्जिट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो उस पी 43,900 पी को एग्जिट करने के पीछे की लॉजिक ये, हम लोगों ने एंट्री ली थी 9:20 में, 43,880 में SL हम लोग का 43,930, 50 पॉइंट का SL इनफ है एक्सपायरी में। एंट्री हम लोगों की थोड़ा सा गलत हो गया, गलत नहीं कहूँगा मैं, इसी सेटअप में हम लोगों ने जैन मंथ में बनाया था, 150-200 पॉइंट आराम से कैच किया था। यहाँ में आज क्या हुआ, सिर्फ वन वे यहाँ से गया नहीं, यही हम लोगों को चुना लग गया ये सेटअप में। ठीक है, तो यहाँ में मैं कहूँगा सेटअप की गलती नहीं है, हम लोगों की जो SL और एंट्री है उसमें गलती है। ठीक है, तो SL और एंट्री ये सेटअप में, उसी में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। प्रीवियस डे का जो रेंज था, उस रेंज का जो भी लो था 43,960 के आसपास, तो वहीं तक मार्केट ने ऊपर लेके गया, वहाँ में रेजिस्टेंस लिया। तो ये बेसिक सी चीज़ें, हम लोग अगर मोबाइल डिवाइस में देखते तो शायद हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से उस रेजिस्टेंस को समझ पाते। ठीक है, तो वहाँ में हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड एग्जिट कर दिया, हम लोगों को कोई दुख नहीं है। उसके बाद रिवेंज ट्रेड ना ले, इसीलिए हम लोगों ने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी फिर से 43,960 से फिर से ये आके झूल रहा है 43,830 के आसपास। तो 830 से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, 11:30 में हम लोगों ने एंट्री ली सी की 43,800। ये ट्रेड मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। पहली बार हम लोग मोबाइल डिवाइस में देख रहे थे 5 मिनट का कैंडल, ऐसे जब भी ब्रेकडाउन मिलता है ऑल टाइम हाई से 5 मिनट का कैंडल देखो ही मत। हाँ, ये लर्निंग बहुत बड़ी लर्निंग है, जो भी लोग बड़े मूव के लिए वेट करते हैं, जैसे हम लोग जनवरी मंथ 25 माइंड में रह गया कि ऑल टाइम हाई से नीचे बहुत बड़ा रैली हम लोग को मिलता है, तो वो रैली हम लोग नहीं पकड़ सकते अगर हम लोग 5 मिनट का कैंडल देखेंगे। ये सबसे बड़ी लर्निंग है। ठीक है, तो बस SL हो गया, 11:30 में हम लोगों ने ट्रेड लिया, फिर 5 मिनट का कैंडल 60-70 पॉइंट दे दिया, 750 में आ गया, फिर 43,750 800 का जो सी था उसका SL हम लोगों ने लेके, 2 SL खुशी लेके बैठ गए। बैठने के बाद 750 के बाद हम लोगों ने वेट किया, वेट करने के बाद फिर से एक सी लिया ऊपर की ओर। सी में हम लोगों को मोमेंटम मिला, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम नहीं मिला, 790 तक ये गया। 90 के बाद जैसे ही ये नीचे आने लगा, हम लोगों को बहुत टाइम से ट्रेड करने पता चल गया कि बायर यहाँ में है नहीं, सेलर नीचे लेके जाएंगे, तो वो सी हम लोगों ने छोटा मूव में एग्जिट कर दिया।
कह सकते हो उस सी से जो ब्रोकरेज है ब्रोकरेज का निकल गया, 3 ट्रेड हो गए। तो चौथा ट्रेड जो था 43,600 का बी था, ठीक है, बी को हम लोगों ने लिया था 1 बजे। 1 बजे लेने की पीछे की साइकोलॉजी क्या थी कि बायर्स ने इसको ऊपर लेके चले गए, जितने भी कमज़ोर बायर्स थे आज ऊपर लेके चले गए। मुझे एक माइंड में था कि यहाँ मैं 43,450 का लेवल है सपोर्ट लेवल, वहाँ तक ये जाना चाहिए मुझे, क्योंकि ये लेवल बहुत ज़्यादा याद है, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी 10-12 दिन पहले जो था, जो सपोर्ट लेवल था 43,450, वहीं में हम लोगों ने शॉर्ट किया था। वहाँ में कितना तक गया था पता है, 43,394 तक गया था। सपोर्ट को ब्रेक भी किया था 50 पॉइंट के लिए ब्रेक किया था, तो 394 से फिर से रिवर्स आ गया था लास्ट एक्सपायरी को 10-12 दिन पहले जो हुआ था। तो याद है मुझे बढ़िया तरीके से लेवल्स, लेकिन क्या हुआ 43,600 पी को भी हम लोग होल्ड नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज इसने 1 घंटे से ज़्यादा एक रेंज में बना दिया। हम लोगों ने 1 बजे एंट्री ली, ऑर्डर बुक साइड में दिखा दूंगा, सब कुछ सही है, प्राइस एक्शन चार्ट सब कुछ चल रहा है, हम लोग को 80 पॉइंट के आसपास मिल गया, 630 के आसपास इसने लो लगा दिया, तो हम लोगों का जो 600 का पी था वो भी बढ़िया मूव दे दिया 30% के आसपास। उसके बाद क्या हुआ पता है, फिर से ये 720 730 का हाई लगा दिया 1 घंटा रेंज बिताने के बाद। स्पेशली एक्सपायरी में जब ये एक रेंज बना देता है, प्रीमियम का जो भी ऑप्शन बायर है उनको संभलना पड़ेगा। 1 घंटा गया, साथ में ये अपने ट्रेंड के अपोजिट जो बाइंग प्राइस है वहाँ में जा रहा है। पहली बार गया प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड बार गया, सेकेंड छोटा कैंडल, थर्ड कैंडल जो बना 700 के ऊपर जो बन रहा था, तो वहाँ में मैंने 600 का पी होल्ड किया था, तो उसको मैंने एग्जिट कर दिया। जिस टाइम में हमने एग्जिट किया उसी कैंडल से फिर से नीचे रिवर्स आ गया। तो हम लोगों ने इस ट्रेड को ऐसा नहीं है कि लेके हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, हम लोगों ने इसको 1 घंटा तक होल्ड किया था। उसके बाद ये जैसे 730 टच किया ना, वहाँ से मुझे इसमें कॉन्फिडेंस लूज हो गया। अगर वो 730 को टच नहीं करता, 710, 712, 713, 715 इसी में झूलता रहता, तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट नहीं करता जो 43,600 का पी है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 2 SL दे दिया है, तो यहाँ में SL नहीं होता तो हम लोग SL बड़ा दे सकते थे, अभी बड़ा SL लेने के लिए हम लोगों के पास है नहीं एक्सपायरी में स्पेशली, तो हम लोगों ने मैंने एग्जिट कर दी। तो सिंपल सी चार्ट ट्रेड की साइकोलॉजी समझ में आ गई, जैसे ही एग्जिट किया हम लोगों ने 720 में, तो उसके बाद ये धीरे से नीचे 1 वे चला गया। तो लर्निंग एक चीज़ मिली है कि देखना आपको चार्ट PC में चाहिए, मोबाइल में चार्ट देखेंगे ना नहीं होगा, मोबाइल से चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। छोटे पॉइंट आप लोग मोबाइल से ग्रैब कर सकते हो, लेकिन बड़े पॉइंट के लिए आप लोगों को बड़ा डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। PNL की वीडियो आएगी और उसमें हम लोग कुछ अनाउंसमेंट भी करेंगे कि हम लोग अभी क्या इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।